डियर स्टूडेंट्स, पिछले एपिसोड में आपसे करंट अफेयर्स पर वोटिंग करने को कहा गया था और ये वोटिंग डिक्लेयर हो चुका है, आ चुका है। मोस्ट ऑफ द पर्संस, अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, उन्होंने पीटी के फेवर में वोटिंग किया है। चूंकि ये दूर दराज के गांवों में भी उपलब्ध हो जाता है, बहुत सारे लोगों ने यूनानिमसली, बल्कि हम कहेंगे कि 80-90% ऑफ द स्टूडेंट्स पीटी के फेवर में वोटिंग किया गया है। तो हम लोग पीटी ही चलाएंगे नेक्स्ट। इसके बाद जो एपिसोड आएगा और उसके बाद वाले एपिसोड से, यानी 4 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है, हम लोग प्रतियोगिता दर्पण को करंट अफेयर्स के रूप में चलाएंगे और फिर टाइम मिलेगा तो दूसरे मैगजीन्स को भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग करंट अफेयर्स के रूप में प्रतियोगिता दर्पण को चलाएंगे 2 एपिसोड के बाद से। 4 दिनों का टाइम आपको मिल रहा है। नए जो प्रतियोगिता दर्पण है नए मंथ का, वो मार्केट में आ चुका है। 10 से 15 तारीख के बीच ये पीटी का नया मंथ का जो मैगजीन है वो आ जाता है। तो आप अभी, आज 17-18 हो चुका है, तो ये नया यानी मार्च महीने का पीटी आ चुका है। याद रखें कि आप जिस भी महीने में होते हैं, इसमें 1 महीने बाद का लिखा हुआ होता है। यानी अभी फरवरी चल रहा है तो ये मार्च महीने का मार्केट में अभी उपलब्ध हो चुका है, अवेलेबल है। तो आप पीडी मार्च महीने का, याद रखें, मार्च महीने का पीडी आप ले लें, ताकि हम लोग इसके कुछ पेजेस रेगुलर करें और जहां तक पॉसिबल होगा ये भी कर लेना, काफी सफिशिएंट होगा, अच्छा होगा। बाद में भी हम लोग और भी देखेंगे करंट अफेयर्स को और भी कैसे कंसोलिडेट करें, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग हम लोग पीडी करेंगे मार्च महीने के पीडी 4 दिनों के बाद से। तो 4 दिनों के अंदर आप इस मैगजीन को मंगा लें। आप जितने भी लोग हैं अपने अपने स्तर पर इस मैगजीन को मंगा लें, देखेंगे कि करंट अफेयर्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम लोग और भी देखेंगे कि करंट अफेयर्स के और भी रिसोर्सेज कैसे करें, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हम लोग कर लें। तो आप इस मैगजीन को मंगा लें, 2 एपिसोड के बाद यानी 4 दिनों के बाद पीडी के भी पेजेस लिए जाएंगे। अब आइए बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो आपसे 2 दिनों पहले पूछे गए। अब प्रायः 1 दिन लेट हो जा रहा है कुछ एपिसोड्स में, तो इसका बेनिफिट भी है और इसका घाटा भी है। बेनिफिट्स उनके लिए है जिनको टाइम कम मिलता है तो वो इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर पा रहे होंगे, और घाटा उनके लिए है जो 2 दिनों में ही टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो उनके लिए ये 1 दिन जो बढ़ रहा है कई एपिसोड से, तो उन्हें लगता होगा कि हम क्या करें। तो हम कहेंगे कि ये जो 1 दिन डिले हो जा रहा है किसी किसी दिन एपिसोड आने में, तो आप प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं, जो छूटा हुआ है, उसे आप कंप्लीट कर लें, ताकि ये जो बैकलॉग है वो आपका इन दिनों कवर कर जाए। जैसे कि कल ये एपिसोड आना था, आज आ रहा है, 1 दिन लेट हो गया। तो जब भी लेट हो तो आप पीछे के एपिसोड्स रिवाइज कर लें। रिविजन इज ए मस्ट, आप जान लें, नहीं तो आप पढ़ते जाएंगे आप भूलते जाएंगे। चलिए आज के पहले उन 10 क्वेश्चंस को कर लेते हैं जो आपसे पूछे गए थे। काफ़ी लोगों ने जवाब दिया, हालांकि ऑल द 10 किसी का भी नहीं था। पहला क्वेश्चन मेरा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने, चूंकि खिलजी वंश हिस्ट्री में आपको दिया गया था, आपने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो पहला शासक था जिसने भूमि को माप कर, लैंड मेजर करके टैक्स सिस्टम चलाया, तो उसने भूमि के माप की, मेजरमेंट की यूनिट किसे माना? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्वा। बिस्वा को उसने भूमि माप की इकाई माना। दूसरा था कि कौन था खिलजी वंश में वह व्यक्ति जिसने सितार और तबले का आविष्कार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। उसके बाद आपसे पूछा गया था इधर ज्योग्राफी में, पूर्व का मोती किसे कहते हैं, पर्ल ऑफ द ईस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। आप अगर देखेंगे इंडियन ओशन में, श्रीलंका एक गोल छोटा सा द्वीप ये आइलैंड के रूप में दिखाई देता है, तो इसे पर्ल ऑफ द ईस्ट कहा गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा 3 देश है जिसे उसके भौगोलिक स्वरूप के कारण गोल्डन ट्रायंगल के रूप में, यानी स्वर्णिम त्रिभुज के रूप में अभिहित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाओस, म्यांमार और थाईलैंड। आप देख सकते हैं कि ये इन तीनों का जो बाउंड्री है वो बाउंड्री एक ट्रायंगल के रूप में दिखता है, तो इसे गोल्डन ट्रायंगल के रूप में बताया गया। उसके बाद साइंस से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोजन का लिबरेशन, मुक्त होना किसी भी कंपाउंड से, ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन प्रोसेस है, क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना किसी भी कंपाउंड में, ये
ऑक्सीडेशन प्रोसेस का एक पार्ट है, जबकि हाइड्रोजन का लिबरेशन मुक्त होना ये भी ऑक्सीकरण कहलाता है। और दूसरा पूछा गया था कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज का ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो KMnO4 में पोटेशियम पॉजिटिव +1 और हाइड्रोजन आप जानते हैं कि नेगेटिवली चार्ज एटम है जिसमें -2 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है यानी नेगेटिव होता है -2, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन 4 एटम है तो 4 × 8 हो जाएगा, तो -8 और इधर +1, तो स्टेबल तभी होगा KMnO4 जब +7 का एटम यहां पर दिखेगा, इसलिए यहां पर मैंगनीज की वैलेंसी हो जाएगी +7। इसे और भी हम लोग डिटेल्स बाद में समझेंगे कि एक कैसे निकालते हैं। अभी मोटे तौर पर कोई भी कंपाउंड है वो एक स्टेबल कंपाउंड तब होगा जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इक्वल होंगे, स्टेबल होंगे। तो यहां पर -8 को +8 से हम न्यूट्रलाइज करेंगे तो यहां पर मैंगनीज +7 वैलेंसी दिखाई देगा। उधर लोकसभा में आपसे पूछा गया था कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर को। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद का संयुक्त अधिवेशन पहली बार कब हुआ, ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट फर्स्ट टाइम कब बुलाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1961, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में दहेज विधेयक पर, डॉरी बिल पे विवाद हो गया था जिस पर पहली बार ज्वाइंट सेशन संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया जिसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और बुलाते हैं राष्ट्रपति। तो ये तो हो गया यहां से। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि साक्षरता दर में सेकंड पोजीशन पर भारत का कौन सा राज्य है साक्षरता दर में, तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। केरल, मिजोरम, गोवा टॉप 3 स्टेट्स हैं लिटरेसी में, केमिगो, तो यहां पर मिजोरम हो जाएगा सेकंड मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। और बिहार का पूछा गया था कि साक्षरता दर कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 61.8 लिटरेसी रेट है बिहार का। अब आज के वे 10 क्वेश्चंस जो आपने पिछले दिनों टॉपिक्स दिए गए थे आपने पढ़े, इसके आंसर आपको तत्काल देने हैं बुक्स देखकर नहीं, ताकि पता चले कि आपने इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मेरा पहला क्वेश्चन है जो हिस्ट्री में तुगलक काल आपको दिया गया था, पहला क्वेश्चन है कि MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंचाई और कृषि में, एग्रीकल्चर और इरीगेशन में बहुत काम किया था, उसने एक नया कृषि विभाग स्थापित किया ताकि कृषि में उसके डेवलपमेंट में काम किया जा सके, यह नया विभाग किस नाम से स्थापित हुआ, इसका नाम क्या था। पहली बार चूंकि एक नया डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ तो एग्जाम में आता है, मिडाविल पीरियड से एक क्वेश्चन बन जाता है। तो MBT ने कृषि विभाग जो नया स्थापित किया उसका नाम क्या था। और दूसरा कि इस समय तुगलक काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, एक नया वंश विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ, आपको बताना है कि वे दो भाई कौन से थे जिन्होंने कर्नाटक में हम्पी में इस नए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, उन दो भाइयों का नाम क्या था, इनके नाम आपको बताने हैं। हिस्ट्री से ये हो गया, इधर ज्योग्राफी से आइए। ज्योग्राफी में आपने किया था अफ्रीका, कॉन्टिनेंट हम लोग कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा विट वाटर्स रैंड BPSC में अभी लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा था कि विट वाटर्स रैंड किस तरह के खनिज के लिए जाना जाता है, तो ये आप टॉपिक्स कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से मेरा क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 3, ओरापा खान विश्व का सबसे बड़ा खान है क्षेत्रफल में, ये किसके लिए विश्व का सबसे बड़ा माइनिंग क्षेत्र जाना जाता है, उस प्रोडक्ट वस्तु का नाम बताना है जिसका खनन यहां पे होता है, विश्व का सर्वाधिक सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट माइनिंग एरिया है वो वस्तु क्या है, उस प्रोडक्ट का नाम बताना है, कौन से वस्तु का खनन क्षेत्र है। और दूसरा यह है कि यहां पर आपको बताना है कि अफ्रीका आपने किया, अफ्रीका में वो कौन सी नदी है जिसे तेल नदी के रूप में, ऑयल रिवर के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद इधर साइंस में आपने इवोल्यूशन किया यानी जैव विकास, मेरा क्वेश्चन है कि चार्ल्स डार्विन ने अपने जो विकासवाद का सिद्धांत दिया इवोल्यूशन थ्योरी, वो किस बुक में उन्होंने लिखा, उस बुक का नाम बताना है जिसमें उन्होंने इसके सारे डिटेल्स लिखे। और दूसरा ये बताना है कि सरीसृप और स्तनधारी यानी रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच कनेक्टिंग लिंक कौन है,
ये क्राउन में विशेष कर दिया हुआ है, ये लूसेंट में नहीं है। कनेक्टिंग लिंक लूसेंट में नहीं दिया हुआ है, ये क्राउन में दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि सरीसृप और मैमल्स के बीच कनेक्टिंग लिंक का उदाहरण एग्जाम्पल कौन है, उसका नाम बताना है, उस जीव का नाम बताना है जो कनेक्टिंग लिंक है यानी योजक कड़ी है। जैसे वायरस जीवित और मृत्यु के बीच कनेक्टिंग लिंक है। उसके बाद इधर इंडियन पॉलिटी में सातवां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इंडियन पॉलिटी में आपने किया था न्यायपालिका ज्यूडिशरी, मेरा क्वेश्चन है सातवां नंबर क्वेश्चन, उस चीफ जस्टिस का नाम बताना है, उनका नाम क्या था जिसने PIL को आगे बढ़ाया यानी इस कंसेप्ट को भारत में लोकप्रिय बनाया, जनहित याचिका, उनका नाम बताना है। और नेक्स्ट आठवां नंबर क्वेश्चन, भारत में हाई कोर्ट्स की संख्या कितनी है वर्तमान में, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर आपको सोचकर करना चाहिए। भारत में वर्तमान में हाई कोर्ट्स की संख्या यानी उच्च न्यायालय की संख्या कुल कितनी है, ये तो हो गया। उसके बाद 2011 की जनगणना पर आपको दिया गया था मेल और फीमेल का साक्षरता दर भारत में और राज्यों में, तो अब आपको बताना कि भारत में महिला साक्षरता दर क्या है, भारत की कुल महिला फीमेल लिटरेसी रेट टोटल कितनी है। और बिहार में सबसे निचले स्तर पर वह जिला कौन सा है जहां महिला साक्षरता सबसे कम है, लीस्ट लिटरेसी रेट है फीमेल, बिहार का वह डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये आप बताएंगे। इसके आंसर्स अभी आपको करने हैं, देर नहीं करना है, बुक्स देखकर नहीं, नेट सर्च करके नहीं। 10 क्वेश्चंस आपको दे गए, कम से कम 8 के आंसर्स आपको देने चाहिए अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। ये तो हो गए आज के 10 क्वेश्चंस। अब आइए आज के टॉपिक्स करते हैं जो आपको आने वाले 2 दिनों में कंप्लीट करने हैं। आज हिस्ट्री में आपने किया तुगलक काल, उसके बाद सैयद और लोधी आपको करना है, ये दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। तो सैयद और लोधी आज आपको दिया जा रहा है, पेजेस दिए जा रहे हैं, ये आप करें। लोधी वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, उसके बाद इब्राहिम लोधी, तीन लोधी हुए हो गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है लोधी वंश। सैयद वंश छोटा है, सिर्फ संस्थापक कर लें, उसके बाद 1-2 और तथ्य आएंगे वो आप कर लें। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे लूसेंट में भी है, क्राउन में भी है, यहां पर कुछ विभागों के नाम है तो उनके नाम आपको अच्छे से करना है। दीवाने अमीर को ही क्या है, उसका सदर कौन था, तो ये सब आप करेंगे, विभागों के नाम ये सब आप समझ लें, एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर आप जस्ट लास्ट में समाप्त होने के बाद ये सब विभागों के नाम आएंगे तो ये आप कर लेंगे, उसके बाद दिल्ली सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इधर अफ्रीका कर चुके हैं, आज यूरोप करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का कॉन्टिनेंट में महादेश हम लोग कर रहे हैं, हम लोग करेंगे यूरोप आने वाले 2 दिनों में। पेजेस नंबर आपको दिए जा रहे हैं, पेजेस पे जाएं, खोजें। अगर ये दोनों बुक्स नहीं हैं, लूसेंट और क्राउन, तो आपके पास जो भी बुक है गाइड बुक होना चाहिए, तभी उसमें डिटेल्स मिलेगा, टेक्स्ट बुक में इस तरह से नहीं मिलेगा। तो आप यूरोप करें। उसके बाद इधर साइंस में आ जाते हैं, हम लोगों ने बायोलॉजी किया था लास्ट टाइम, तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स की बारी है, फिजिक्स में वेव्स तरंग करेंगे। आप कहेंगे कि ये कौन सा टॉपिक है, तरंग वेव्स, ये तो 2-4 ऑब्जेक्टिव्स में समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इस टॉपिक को आप अच्छे से करें, वेव्स आप जान लें कि जितना कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जितना कुछ भी आप सुनते हैं, ये सब एक वेव्स के रूप में आपके कानों में या आपके आंखों में दिखाई देता है। तो इसके डिटेल्स आप लें, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, एम्पलीट्यूड, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, ये सारा डिटेल्स आप, वेवलेंथ, ये सब डिटेल्स आपको इसमें लेना है। उसके बाद गामा रेज, एक्स रेज, ये सारे डिटेल्स आपको इस वेव से मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपको रेगुलर दिखाई दे जाते हैं। तो वेव्स आप करेंगे, फिजिक्स का टॉपिक आपको मिल गया यानी तरंग, और अच्छे से करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। साइंस में फिजिक्स का हो गया, उसके बाद हम लोग पॉलिटी के टॉपिक्स लेते हैं। पॉलिटी में अब हम लोग सेंटर कर चुके हैं, यूनियन के सारे जो संघ के, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका हम लोगों ने कर लिया है। याद रखें कि CAG हम लोगों ने नहीं किया है, CAG आप अपने स्तर पे कर लें, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये आप कर लेंगे। अब हम लोग कर रहे हैं राज्यों की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द स्टेट, तो यहाँ पर सबसे टॉप पे आएंगे राज्यपाल।
तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है राज्यों की कार्यपालिका, उसमें हम लोग करेंगे क्या, राज्यपाल यानी गवर्नर करेंगे। गवर्नर, गवर्नर के सारे राइट्स, कैसे नियुक्ति होती है, वो किसको रिजाइन करते हैं, उनके पावर्स क्या है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, सारे पावर्स आप करें, और आर्टिकल्स को भी आप देखें, उनका स्वविवेक का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप करें। तो ये सब करेंगे, राज्यपाल पर आपको अथॉरिटी मिल गया। उसके बाद हम लोग 2011 की जनगणना में आज करेंगे सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात राज्यों में, उसके बाद पूरे देश का, उसके बाद अपने स्टेट का टॉप 3 जिले और लोएस्ट के 1 जिले, उसके बाद राज्यों का टोटल सेक्स रेशियो कितना है, तो बिहार का और जहां पर भी आप हैं, जिस भी स्टेट में हैं, उनका आप कर लें। तो ये आप करेंगे, स्टेट्स के लिंगानुपात करें और सेंटर के कंटेक्स्ट में कर लें। तो आपको 2011 की जनगणना में सेक्स रेशियो लिंगानुपात मिल गया। तो टॉपिक्स काफ़ी हो गए, उसके बाद 4 दिनों के बाद हम लोग करंट अफेयर्स भी स्टार्ट लेंगे। पीडी आप ले लें और जल्दी से लेकर इसके संभव हो तो कुछ पेजेस पढ़ भी लें। हम लोग मार्च महीने का प्रतियोगिता दर्पण 4 दिनों बाद शुरू करेंगे। टेक केयर।